जय जगन्नाथ प्रणाम। तर्के बहुदूर कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। सबुदिन परि आज मध्य आउ थरे आपण मानकु कहूची, शास्त्र पुराण को कदर्थ करिबा आमर उद्देश्य नुहे। केवल आउ केवल कथावस्तु मध्य रे लुकायित रहिथिबा अंतर्निहित रहस्य को भेद करिबा पई आमर ए प्रयास आम कार्यक्रम माध्यम रे। आज केजाणी कहीं मनटा आउटुपाउटु है। भागवत पढ़ुला बेले गोटे अपूर्व चरित्र संगे साक्षात है। से चरित्र हूँ शर्मिष्ठा चरित्र। ये शर्मिष्ठा देवजानी ठारू अत्याचार पाई। देवजानी जोगु ये शर्मिष्ठा को राजकन्या होई मध्य दासीर जीवन अतिबाहित करने को पड़ी। कौन पाई एमती हम? जड़े पिता निज झीर जिद्दी पाखे नई जीवे, जन को देशपाई स्वार्थ त्याग करने को पड़ो, सारा जीवन दासी ही रहा पड़ो। सत केते मिछ केते, ठीक कौटी भूल कौटी। आसंतु विषय वस्तु भितरे अनुसंधान करवा। ए संपर्क रे आज आमे आम कार्यक्रम को निमंत्रण करिचु पंडित हरिवल्लभ दास महोदय को, तांको सहित पंडित दामोदर दास महोदय को, उभय को स्वागत करिवा। जय जगन्नाथ, सुस्वागतम। प्रथमे मु दामोदर बाबू पाखु जीवी, जानिबा को चाहिबी ए कहानीर पृष्ठभूमिटी कौन। ए कहानीटी व्यासकृत संस्कृत महाभारतर एवं जगन्नाथ दास महोदय ताकु लिखिसेंती। कहानी होची असुरराज वृषपर्वा एवं तांकर कन्या शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा नामकरण भितर ता गुण मध्य अच्छी शर्म अच्छी, शर्मइष्ठ ता प्रत्यय होती लज्जाशिला। एवं अन्यतम नारी चरित्र ता पाखरे अच्छा दैत्यगुरु शुक्राचार्यंकर झियो देवजानी। जदिओ देवजान ई होई देवजानी होईची, किंतु तांका चरित्र तार विपरीतता देखा जाए। जाओ शुक्राचार्यंक प्रसादरू जेहेतु से मृत्यु संजीवनी मंत्र अधिकारी थिले, असुर माने सुरक्षित थिले एवं भविष्य रहिबे, सेथिपाई शुक्राचार्य वृषपर्वा राज्य थिले। दुई जनक मध्य देवजानी आउ शर्मिष्ठा मध्य संपर्क थिला, सांग थिले, सहचरी माध्यम थिले। दिने से माने स्नान को जाइछंती, अन्य माने मध्य जाइथिले परिचरी माने। हठात भागवत अनुसार वृषारोहण करी शिव और पार्वती आसुथिले, तांको अदूररू देखिपारी एमाने उठी आसछंती। शर्मिष्ठा आसिकी भूलवशत देवजानी वस्त्र को पिंधि पकईछि। देवजानी यह देखि अत्यंत क्षुब्ध होइछंती एवं प्रथमे शर्मिष्ठा को से क्रूर भाषा रे से कहउछंती कुकुर बोली। अस्माधर्यं द्रुतवती सुनीव हविरध्वरे। अध्वर माने यज्ञ, यज्ञ पाई उद्दिष्ट घृत को कुकुर खाइला परी मोर लुगा को तू पिंधिलु। इतिक्रे शर्मिष्ठा उत्क्षिप्त होइछंती। से मध्य ताखुकु कहछंती भिक्षुक बोली, संस्कृत भाषा रे भिक्षुकी। ए तुम निजर प्रवृत्ति को अभिज्ञा भिक्षुकी, तू मत एक कहूँ जे मो राजा वृषपर्वा मोर बापांकर अन्नरे तुम प्रतिपालित हो, अथच तू मत यहीपरी कहलु। मोर सांग सुधा भूल क्रम यहाँ हो जाइए, ये कौन यही शब्दर प्रयोग आवश्यक था प्रयोग। किंतु देवजानी अत्यंत क्षुब्ध हो जाइए, जहाँफल बचसा बढ़ी। शेष में शर्मिष्ठा ता लुगा को पिंधिकी ये देवजानी लुगा को निकटस्थ कूअर पकईदेवा सहित देवजानी कूप को निक्षेप कर। हरिवल्लभ बाबू, आमर ये जो कथावस्तु आम शुणिले कूअर पकईदेला, यहाँ गोटे कौन मानने पिला बयसर कथा ना, से माने प्राप्त वयस्का हो जाइए, यहाँ पिला खेल बोली धरवा ना ना ताठू कि ऊर्धर कथा। बह योग्या से समय रे, से समय रे। अच्छा, तेणु से माने पिला नुहंती। अच्छा, जाउचंती युवती होइचंती, परपर विवाह करचंती, किंतु ये जिनसटी घटिला केवल ईर्षा परायण। चरित्र को जदि आमे विश्लेषण करवा, दी जण जाक चरित्र को विश्लेषण करवा, देवजानी को कूओ भितर पकई दीछि शर्मिष्ठा। अच्छा, शर्मिष्ठा राक्षसर झियो। अच्छा, तेणु तार प्रवृत्ति आ प्रवृत्ति से ब्लड आसी सेई जीनटा अच्छी। किंतु देवजानी से ब्राह्मणर झियो शुक्रंकर कन्या, किंतु ता चरित्र मध्य निर्मल से रखिपारी नहीं कहीं ना से क्रोधान्वित होता कथा आपण कथारू मिलला बर्तमान आपण कहले सर्मिष्ठ शर्मिष्ठा ता भितरे साधु गुण अच्छी लज्जाशीला गुण अच्छी आपण कहते से दानव कन्या तार जीन भितरे से भावना अच्छी दीटा कथा विपरीत है पुणी आपण कहते एपटे जे देवजानी तार बापा पाखर जो गुण सी शिखिकी आसी पाखे से गुण अच्छी किंतु सी कुकुर बोली कहला प्रथमे तार शब्द रे साधु भाव आम देखिले ताने ए चरित्र भितर आम शर्मिष्ठा आ देवजानी आम क्या श्रेय दवा प्रकृत मो मतर शर्मिष्ठा ही श्रेय प्राप्तिर अधिकारी कारण आपण क्या श्रेय देवे मुझे श्रेय दूसरी शर्मिष्ठा को कहीं ना बापा ये बुझे देवजानी की देवजानी ये जो भली भाव तू कुवाक्य व्यवहार कलु मो झील भाव में मु अनुताप करुच्ची क्षमा कले झील क्षमा तो मिलई क्षमार न था अंत क्षमा दाता क्षमा ग्रहीता ये दुहे ये भुवने भाग्यवंत तू क्षमा दौनु कहीं ये जो कूअर पकईदेला शर्मिष्ठा आपड़ दुई जन जाक केमी श्रेय देवे जड़े गुरु को कन्या को कूअर ठेलिकी पकईदेव जदि गोटे पिला खेलर व कलिया युवक अवस्था से था बह्योग्य था दी जन जाक बह्योग्य अच्छा गोटे वस्त्र को नहीं कली होती साधारण कथा बहुत गोटे बड़ कथा नुहे से वंश परंपरा को निजक अमर्यादा कर निजकू भाषार संयत भाव न रखी गाड़गुलज करवा शेषे शर्मिष्ठा धक्का मारी कूअर पकड़ा मरणांतक आक्रमण हाँ मरणांतक आक्रमण ये ताहले शर्मिष्ठा को केमिति आपण श्रेय देबे शर्मिष्ठा को श्रेय दे होनी अच्छा मु शर्मिष्ठा को श्रेय देनी मु कहिची जे से तापर जो क्रोधान्वित होकर जो कामटा करिछि क्रोध वैवसुत नृपह अच्छा क्रोधटा कले जोटे जम को देखिनी से क्रोध कले से जानी पारिबो जमर कोन शक्ति अछि अच्छा तृष्णा बैतरणी नदी विद्या काम दुधा धेनु एवं संतोष नंदन बन जो कथा कह जाठी तार जो व्यवहार से व्यवहार रु जना पड़ुची शालीनता ता पाखरे नाही ताले से अपराध स्वरूप जदि सी परवर्ती पर्याय रे देवजानी रो जिद्दी जे नाई मुझे दासी करी तार जो उद्धत भाव अच्छी दमन करी देवजानी कौन भूल कला देवजानी हुए तो भूल कर ना किंतु मु भावुची शर्मिष्ठार अपराध तुलन दंड बहु गुण अधिक है किंतु सी परवर्ती पर्याय रे तार जिद्दी को रखापी जाई बापा को से भली भाव में कारण से भल भाव में जानी बापा बिना साहाय्य राक्षसकूल तिष्टि पारे ना तो आम कह ब्लाकमेल ब्लाकमेल कर शर्मिष्ठा को दासी कर रखा देवजानी चरित्र ये दिगटा केमती आप देखुं दुई जन जाकर चरित्र को आम मूल्यांकन कले आम एक स्पष्ट जानीपर जे दी जन जाक भूल कर चली कहारी संशोधन होबार देखा जाए कहीं ना भूल करे किए ना जी भूल करे ये सब जानी सुनिकी भूल करुच्ची ईर्षापरायण है जो ईर्षापरायण है से जो काम करुच्ची एटा रिभेंज जब से आउ जड़े नौची से रिभेंजटा कहु रिभेंज इज एन इन ह्यूमन वर्ड एटा मानवीय शब्द नुहे तेणु उभय भूल करभय कहीं ठीक बाट को जाऊना एवं से जिद्रे अटल रोचंती तेणु से केबेले दमन कर पारना से इंद्रिय को कंट्रोल कर पारना क्रोधान्वित होती कहीं जड़े सही बहिकी काम कला भाया दृष्टांत देखा जाए ना ताले कौन शर्मिष्ठा सहिला बोली आपन श्रेय दौरान निश्चित जेन दुनिया रे जी सहे से ही बड़ अवश्य शर्मिष्ठा भूल करदिओ सी प्रथम देवजानी आघात देती परवर्ती अवसर एंकर आघातटा टे अधिक होगा कूअर पकईदेवाटा तथापि मुझे दौची जे सारा जीवनटा से असुर जाति राज्य पितादेले निर्विवाद अथच देवजानी पाखे सहीटा है देवजानी शुक्राचार्य बहुत बुझेले गोटाए आम शेक्सपियर जो क्षमा दि क्वालिटी ऑफ मर्सी इज डिवाइनली बिस्टोड अपन मैन जोटा नहीं नंदकिशोर बलराम शर्मिष्ठा केवल लिखिले एटा सब शुक्राचार्य झील को बुझे क्या शुक्राचार्य को वृषपर्वाद क्षमा प्रार्थना कले से तो क्षणपक्की ब्राह्मण लोक से शांत हो गले ठीक अच्छी मु रही तुम राज्य मो झी को टे बुझे दिव किंतु जमा देवजानी बुझानी और सर्त रखला या हेले आम रु भी मानिने वृषपर्वा और से शर्मिष्ठा विरोध करना आउ गोटे कथा से आम देवजानी को श्रेय दौने शर्मिष्ठा को श्रेय दौचे किंतु पुराण रे आउ गोटे कथा शुणा जाए जे आम तो सब जाचे सब दैवीर अधीन से दैवी अधीन होईकि देवजानी एमती कला कि कारण गोटे अभिशाप से कौन पूर्वर पाई जे तुम्हें तुमर ब्राह्मण गोत्र आवाह कर ये कथा भी गोटे कहानी आकार में कथावस्तु आकार में देवजानी जीवन भितर पूर्व कालू घटी सारी जदि सेथिपाई हुए तो विवश होई देवजानी जीवन भितर एमती घटना घटी थिबो ताहले आमे देवजानी चरित्र प्रति आमर आउ टिके आवेगिक दृष्टिकोण रहिबो ना रहिबोनी निश्चित भाव में आमर ता प्रति सिंपाथी रहिबो। अच्छा काहे कि रहिबो ना सब खेलटा होची सेई सृष्टिकर्तांकर इंगित रे जेते बेले से कथा टिके मु टिके संक्षेप रे केवल कहूची कहानी विषय वस्तुटा पछ नामक जो युवक से पढ़ा को आसला गुरु आश्रम को शुक्र पाखर मृत संजीवनी विद्या हासिल करने से हूँ बृहस्पति पु से देवगुरु बृहस्पति राक्षस मान गुरु शुक्र से देवजानी पढ़ुची ये जो संपर्क तांको भीतर जोटा गढ़ी उठिला देवजानी अंतर भीतर चाहिला मु ए पुटा को विवाह कले मो जीवन सुखमय होता किंतु संस्कृति के आधार करी कच्चा स्वीकार कला नहीं जे मो गुरुंकर कन्या मोर भौणी परी मु ग्रहण करी पारिबी नाही निराश होकर देवजानी जो अभिशापटा देला सेटा ठीक नहीं से कहला ताहले तमे जो आसतिलो एवं मो कथा रहिला नहीं ये विद्या निष्फल हबो फ्रुटलेस हो ये विद्या काम दबनी ये अभिशाप मु दूची कहला मुझे तुमको छाड़ू नहीं तमें जो अभिशाप दौच ये विद्या निष्फल हो तमें सेमती ब्राह्मण घरे बह कर पारना मुझे अभिशाप दौची एटा उदयती जदि भानु पश्चिम दिख विभाग विकसई जदि पद्म पर्वतानांग शिखाग्रे प्रचलित जदि मेरु सीता तांग जात नहीं न चलती खलुवाक्यम सज्जनाना कदाचित ये सत कथार केवे व्यतिक्रम होना हबन तमाने सही कथाटा फलिला परवर्ती पर्याय रे ये क्षेत्रीय घरे विवाह कले आज्ञा देवजानी आउ ब्राह्मण गोत्र रे विवाह न करी अन्यत्र विवाह करिसंती वर्णाश्रम विवाह हेची ए जो प्रतिलोम विवाह हेची ते ए जो प्रतिलोम विवाह हेची देवजानी केते न्याय पाईची शर्मिष्ठा केते न्याय पाइले ए संपर्क रे आहुरी विशद कथा आमे श्रवण करिबा। आज गोटे एभली स्थिति रे मनुष्य ठिया हेची भावधारार दोछकी रे निर्णय करा जाई पारु नाही श्रेय किए शर्मिष्ठा दासी हेची देवजानीर देवजानी पूर्व निर्धारित अभिशाप अनुजाई ब्राह्मण कूल विवाह करि पारिनी तेबे न्याय किए पाइची देवजानी पाइची ना शर्मिष्ठा कौन कहिबे हरिवल्लभ भाई? वास्तविक मु देवजानी की प्रशंसा न करिके रही पारु नाही जे ब्राह्मण कुल रे जन्म होइथिबा देवजानी शर्मिष्ठा थारु जहा आशा करिबा कथा से भली व्यवहार से पाई नाही बोली क्षिप्ता उभय बयस समान हेले मध्य शर्मिष्ठा राक्षसर झियो वृषपर्वार झियो जने ब्राह्मण छत्तीस पाटकर राजा एवं जने गुरुर कन्या भाव रे तांको ठारु सम्मान पाइबाटा कौन उचित नुहे कि से जो भली भाव रे व्यवहार कर देइचंती सेटा ठीक हेने अनेक समय ठीक हेने क्या भाईना जा कहउचंती से मो मते मु एतरे एकमत नुहे हुए तो उभयंक भितरे क्रोध अछि अभिमान अछि तुम सेथि पई अनुताप मध्य करिवार अछि ना एवं शर्मिष्ठा बोधे से कौन प्रतिवाद नक भागवत लिखिं शहे दासी वृषपर्वा नहीं शर्मिष्ठा जाइए देवजानी दासी भाव को स्वीकार कर जजाति चंद्रवंश राजा नहुशंक पुओ जजाजी कूपर उद्धार कले हाथ धरिक आनी देवजानी कहला आप मो हाथ को धोले मो पानी ग्रहण कले तेणु आप मोर स्वामी हेबे। एवं देवजानी मन पकड़ा पूर्व कचर अभिशाप कथा यही बोधे से क्षेत्रीय युवक एवं जाकि बापा पाखे से कथा कहला बापा एमती एमती बापा को ग्रहण करने जजाति को जयी भाव में एवं यथासंभव बुझेला पर देवजानी बुझेला ना तेणु शर्मिष्ठा देवजानी उभय जाती सत किंतु शर्मिष्ठा तो दासी भाव में जाइला शर्मिष्ठा पाखे निश्चय किसी सुगुण अच्छी किसी भल गुण अच्छी जाफल शर्मिष्ठा सहित जजाति संपर्क रु ताकर तीनोटी संतान हेले अवश्य देवजानी कथाटा केमती ग्रहणीय हो पारुनी बोधे ना कारण दासी भाव में जे जाइची जदी दास्य भाव को से ग्रहण करिची से तो दासीर भावना नहीं दासीर सेवा नहीं रहिबा कथा सी पुणी तांको पत्नी हवा जाय कथा काई की गला कोन कहिबा दासीर मर्यादा रक्षा करिवार कथा एठी गोटे बाध्य बाधकतार दासी हेची नम्रतार सहित आज्ञा किंतु ता भितरे जो अग्नि स्फुलिंग जळुथुला मु दासी हेची ये समय आसिले मु भी चोट मारिबी एभली धारणा भी ता मन भितर थिला तेणु दासी से हला किंतु अहंकार को त्याग करि पारनी सेई लोक वास्तविक आनंद पाइब नाही जे इगो भितरे रहिबो हु डिस्ट्रॉयज आई एंड माइन एंटर्स हेवन जी मुँह मोर को त्याग कर पार देखु ये तले रही मना करदे शुक्राचार्य कहीदे जे तमें देख तुमको मु झील देली दासी हो रहा किंतु या सहित तो तुम फिजिकाल रिलेशनशिप रहा या को पालन कर पारिना कहीं ये पालन न करने पक्षर बेसी दायी शर्मिष्ठा शर्मिष्ठार जो आप कौन कहते शर्मिष्ठा दायी ना निजे जजाति दायी विचार करिवार कथा देवजानी ठार दुईटा पुआ अलरेडी हो सारी जदू आ तुर्वसु अच्छा देवजानी गर्भर जजाति दुईटी पुआ जन्म होते जहाँ ना जदुवंश होपर पुणी शर्मिष्ठा सहित दैहिक संपर्क रखी तीनटा पुआ जो है पुरु अनु द्रिहु आ परवर्ती समय आप पुरु वंश आरंभ है से बापा जो एक जानी सारापर देवजानी ठार जे मोर बारण सत्वे शर्मिष्ठा सहित संपर्क रखी जजाति अभिशाप देले तुमको अकाल वार्धक्य आसू तो से भाव में देवजानी निजे चाहिए से मोरी जे स्वामी जे प्रतिकार शुक्र देले जदि तुम केही पुत्र तार यौवन को दे तुम वार्धक्य को निए ताले अनेक दिन पर्यंत पुणी कर्मक्षम हेबे राजा जजाति सेते देवजानी गर्भजात पुत्र जदू ग्रहण कला नाही कथा अच्छा किंतु कला किए ना शर्मिष्ठार बड़ पुओ पुरु सी तार यौवन को बापा को देला एवं बापा जरा को नहीं अनेक दिन पर्यंत स्थिर भाव में रहा सहस्र वर्ष राजत्व कल भागवत लिखुं पुणी जजाति ताले आज्ञा आपण जो कथा एबे कहितिले से कथाटा दुर्बल हो गला आपण जो कहिले जे शर्मिष्ठा तार अंग सौष्ठवर आकर्षण रे हो तार भावधारा आकर्षण रे हो आकर्षित करिथिला किंतु एबे देखा गला जे जने वृद्ध हो गला परे भी पुणी जौवन ही शरीर को भोग करने चाहूँगी आम कहानी कथावस्तु भितर शुणीचु जी सी दीर्घ दिन धरी जौवन को भोग कले पुओ ठारू जौवन नहीं ताने ये प्रति आकर्षित होती शर्मिष्ठा प्रति आम बर्तमान परिष्कार भाव में देखा चरित्र जजाति जजाति केते बड़ व्यतिक्रम कर शुक्राचार्य तमें आउ जन को चाहब ना सहित संपर्क रखिब नाही मु तो सही दिगटा को देखिया को चाहू जदि सीए चाहिए जजाति दुर्बल जजाति शर्मिष्ठा दुर्बल खाली दुर्बल नुहंती गुरुंकर आशीर्वाद पाइबाकु मध्य अक्षम जहाको विवेकानंद कहिसंती टू कैरी आउट द कमांड्स ऑफ गुरु विदाउट द लीस्ट शेड ऑफ डाउट और हेजिटेशन इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन लाइफ एंड देयर इज नो एनी अदर वे टू फॉलो गुरुंको कहिथिबा वाक्य को अक्षरे अक्षरे निर्विचार रे निर्विवाद रे जीए पालन करिवो से ही केवल छात्र मु धक्का मारी पकई देथिली पडु पडु से कुआरे पड़ी जाइथिला से कथा को से दोष को सते जेमिति प्रायश्चित करूचंती गोटा जीवन पूरा स्वाभाविक कथा जणकर प्रायश्चित करिवार भावना को देखिले आमे भी ता प्रति दयार्द हे जाय आकर्षित हे जाय हृदय आकर्षित होइथिबो तनो इतरे गोटे किछि विचित्र कथा ना जजातिंगर परवर्ती चरित्र कोछि से काम को ये निश्चय देखियो भले भाई जो सर्विसटा कर दोसर बहु बहु देह भोगी संभोगी व्यक्ति आपनकर राधा तो गुटे पद लिखिसन जदी एकांत निर्जन रहिले मदतकत दंती मानई की केबे मूलाल सूत्र अर्गला बाली बंधे केबे संभाली होय कि महावेगा चित्रत्पला उभय एभली परिवेश रे जदाती भल पाउछन तांकर चरित्र को सुगुण को बा आपनकर भाषा त्याग को सुगुण तो प्रतिफलित होला शर्मिष्ठांग सुगुण प्रतिफलित होला तांको पुओ आवश्यक पड़े बापा को निज जीवन रौवन देदेले किंतु देवजानी ठारू संतान देले ना पुराण रही जो कहानी वर्णन करिवार उद्देश्य कौन देवजानी चरित्र को उत्कर्ष भाव दि जाएनि वर्तमान पंडित मान सहित सुंदर आलोचना तो हैला किंतु आमर समाज रे बंचुथिबा विभिन्न वर्गर व्यक्तित्व माने यही संपर्क रे कौन चिंता करती आसतु शुणा ये जो घटनाटा आमर पुराण रे घटिला जे शर्मिष्ठा देवजानी दासी होगापी मनस्थ कले कहीं कले ना तो ईर्ष्यापरायण होगी तार प्रतिशोध नापी कले बुझा को जो संपर्क सी होती गुरुकन्या देवजानी ये हूँ राजकन्या राजांकर कन्या तेणु निजर स्थितिटा को ठीक बुझीपारे नहीं जे मु जड़े राजांकर कन्या मोर कर्तव्य कौन गोटे ईर्ष्यापरायण क्रोधान्वित हो जा गोटे जनकर दासी गोटे गुरुंकर कन्या हेबी एकता केबे समाज में ग्रहणीय नुह राजांकर पदवीरे एत मर्यादा घटिला यहाँ अति अस्पृहणीय यह केबे ठीक नुह एटा को आमे धरी निया हबो ठीक है कारण से कदाई भूल कराई ना ये जो त्रुटिपूर्ण कथा समिति की पहुँचे दिया हवा उचित नुह टिके टिके भूल रे ए देश सेकेंड सेकेंड भर ध्वस्त हो मनुष्य जीवन ध्वस्त हो जो दुर्घटना आसो 5 मिनट 3 मिनट नुह सेकेंड सेकेंड पदे पदे आखि पलक भितर होदी पलक भर यह त्रुटि हम केमती कौन नकरा यहाँ किंतु सत्य है यथार्थ है देखिले तो आम कार्यक्रम से छोटिया अंशविशेष मत आ मंतव्य साधारण जनता उक्ति शुणी पंडित मंडली आलोचना शुणी आपणों मनरे कौन विचार आसीची देखंतु क्रोध बड़ शत्रु मनिषर आपण जेकोसी परिस्थिति रे थांतु निजको चेष्टा करंतु क्रोध सृष्टि करुवा परिस्थिति निजको अलग कर जदि ता नकरी पारंती आपण जिते उच्च स्थान रे थांतु जिते उच्च वंशज होई थांतु आपणकु तार फलाफल भोगिबा को पड़िबो शर्मिष्ठा को दासी होवा पई पड़िला तेबे शर्मिष्ठा दासी होवा को मु तो ग्रहण करि पारु नाही आपण माने केमिति ग्रहण करिवे ताहा आपण मानक ऊपर रहिला कार्यक्रम समाप्त करिवा पूर्वरु आसंतु आम गहन रे रही विज्ञ पंडित मंडली जो सुंदर विचार बांटिले सेथिपाई तांको पाखरे कृतज्ञता प्रकट करिवा जय जगन्नाथ धन्यवाद जय जगन्नाथ सरीची कार्यक्रम समय पुणी भेट हवा आउ गोटे अध्याय रे आउ गोटे नुआ कथा वस्तु को नहीं मते आज विदाय दियंतु जय जगन्नाथ प्रणाम तर्के बहुदूर प्रार्थना आम आनंदर उत्स।